हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं सैटेलाइट्स के बारे में, स्पेशली आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो कि मैनमेड सैटेलाइट्स हैं और अर्थ की ऑर्बिट में किसी स्पेशल पर्पस के लिए लॉन्च की गई हैं। वैसे तो फ्रेंड्स, हर सैटेलाइट का एक डिफरेंट पर्पस होता है। जैसे कुछ कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ होती हैं तो कुछ गवर्नमेंटल और मिलिट्री पर्पस के लिए। आज हम जो भी ये GPS यूज़ कर पा रहे हैं या जो वर्ल्ड वाइड TV ब्रॉडकास्टिंग पॉसिबल है, ये सब सैटेलाइट की वजह से ही हो रहा है। और अगर इनकी अमाउंट की बात करें फ्रेंड, तो एज पर द लेटेस्ट डाटा इस टाइम हमारी अर्थ की ऑर्बिट में 2,666 सैटेलाइट अवेलेबल है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। इनफैक्ट रिसेंटली भी कई सैटेलाइट्स जो हैं अर्थ की ऑर्बिट में लॉन्च की गई हैं। मे बी यही रीज़न है कि साइंटिस्ट के लिए जो स्पेस ट्रैफिक है वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न बन गया है। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, जो स्पेस में सैटेलाइट्स की अमाउंट है उसको बढ़ने की वजह से जो रिस्क ऑफ कॉलिजन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। इनफैक्ट फ्रेंड, पास्ट में इस तरह के कॉलिजन हो भी चुके हैं जिसकी वजह से जो बहुत सारा मैकेनिकल वेस्टेज है वो क्रिएट होता है। अकॉर्डिंग टू यूरोपियन स्पेस एजेंसी, आज की डेट में अर्थ के ऑर्बिट के अंदर अराउंड 170 मिलियन स्मॉल मैकेनिकल पार्टिकल अवेलेबल हैं, जो कि किसी भी स्पेसक्राफ्ट से टकरा के उसको डैमेज कर सकते हैं। सो हम यहीं से आइडिया लगा सकते हैं फ्रेंड्स कि जो रिस्क ऑफ कॉलिजन है वो कितना ज़्यादा हाई है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर बात करें कि जब एक सैटेलाइट का लाइफ साइकिल ख़त्म हो जाता है तो सैटेलाइट का क्या होता है, क्योंकि सैटेलाइट भी एक मैन मेड मशीन है और इसका भी कुछ वर्किंग पीरियड होता है। तो फ्रेंड्स, जब एक सैटेलाइट का जब वर्किंग पीरियड ख़त्म हो जाता है तो उसको डिस्पोज करने के बेसिकली दो तरीके हैं। पहला मेथड तो ये है जो कि बेसिकली स्मॉल सैटेलाइट्स और लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स के लिए यूज़ किया जाता है। इस मेथड में जो लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स हैं उनकी जो स्पीड है उसको स्लो करके उसको अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कराया जाता है, ताकि वो जो सैटेलाइट है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही बर्न हो जाए। तो बेसिकली फ्रेंड, जो ये तरीका है ये स्मॉल सैटेलाइट्स के लिए तो बिल्कुल सही है, बट जो लो ऑर्बिट के अंदर बड़ी सैटेलाइट्स हैं जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, तो ये जो सैटेलाइट्स हैं ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही कम्प्लीटली बर्न नहीं हो पाती और वहाँ पे कुछ पार्ट्स जो हैं फिर भी बच जाते हैं। तो उस केस में जो सैटेलाइट्स हैं उनके पार्ट्स का रेजिडेंशियल एरिया में जो टकराने का जो खतरा होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस केस में जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसके लिए एक अलग सॉल्यूशन निकाला है। इसके लिए एक अलग जो जगह है वो बनाई गई है जिसको बोलते हैं स्पेसक्राफ्ट सीमेंट्री। ये जो जगह है ये पैसिफिक ओशन में है, जहाँ पे जो भी सैटेलाइट्स के पार्ट बच जाते हैं उन पार्ट्स को उस प्लेस में डिस्पोज किया जाता है, ताकि वो जो पार्ट्स हैं वो किसी और एरिया में टकरा के उस एरिया में जो है एक्सप्लोजन क्रिएट ना करें। इसके अलावा फ्रेंड, जो हाई ऑर्बिट सैटेलाइट्स हैं उनके लिए ये मेथड यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि जो हाई ऑर्बिट सैटेलाइट्स हैं उनको अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कराने में काफ़ी ज़्यादा फ्यूल और टाइम लगेगा। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने एक अलग मेथड निकाला है। इस केस में जो हाई ऑर्बिट डेड सैटेलाइट्स हैं उनको अर्थ की हाई ऑर्बिट से 200 माइल्स दूर एक अलग ऑर्बिट में शिफ्ट कर दिया जाता है, जिसको बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑर्बिट। इसका बेनिफिट ये है फ्रेंड कि इस ऑर्बिट के अंदर जो डेड सैटेलाइट हैं वो एक्टिव सैटेलाइट के साथ कोलाइड नहीं करेंगी। तो फ्रेंड्स, यहीं से हम आइडिया लगा सकते हैं कि स्पेस के अंदर सैटेलाइट्स कितनी ज़्यादा अमाउंट में हैं, क्योंकि जो 2,666 सैटेलाइट हैं वो सिर्फ एक्टिव सैटेलाइट्स हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी डेड सैटेलाइट्स भी अवेलेबल हैं। सो नो डाउट इन फ्यूचर जो स्पेस ट्रैफिक है वो एक बहुत बड़ा इशू बन सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।